Hello and very good morning to all my dear students. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosip sir. Today students, we are going to discuss unit number 2, acids, bases and salts. इससे पहले के स्टैंडर्ड्स के अंदर आपने इस चैप्टर के रिलेटेड पढ़ा होगा. एनसीईआरटी का सिलेबस अगर आपके वहाँ पे फॉलो हो रहा है तो स्टैंडर्ड 7th के अंदर इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो आता था. उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटी के थ्रू और थोड़े बहुत प्रैक्टिकल से एसिड और बेसिस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी. तो आइए चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2, विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो सबसे पहले इस चैप्टर का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, यानी कि कौन से सब्सटेंसेस को हम एसिड कह सकते हैं, कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसकी जानकारी कैसे मिल सकती है. द वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एसिडिक सब्सटेंस, इट इज इट्स टेस्ट. बेसिकली द सब्सटेंस इज विच इज श्योर, यानी कि खट्टे होते हैं स्वाद के अंदर. दैट काइंड ऑफ सब्सटेंसेज आर नोन एज एसिड्स. सो बेसिकली एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट. सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ सम इंडिकेटर्स वी कैन नो दैट वॉट इज द सब्सटेंस टाइप, वेदर इट इज एसिड और इट इज बेस. फर्स्ट, वेन द सब्सटेंस टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड कलर, then we can say that the substance is acidic because the change in the color from blue to red is indicating that the substance is acidic. So this is the second characteristics of acid, that it turns the blue litmus paper to the red color. Third, it reacts with base and forms salt and water. Acid jo hai substance base ke sath react karke salts banate hain. Fourth, इट रिलीज इज एच प्लस आयन्स वेन एडेड इन टू वाटर. जब कभी भी एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो एच प्लस आयन जनरेट करते हैं, यानी कि एच प्लस हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं. एसिड सब्सटेंस जो होते हैं उनकी पी एच वैल्यू के बारे में हम अगले सेशंस के अंदर पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, लेकिन अभी याद रखिएगा कि एसिडिक सब्सटेंस की जो पी एच वैल्यू है वो 7 से कम होती है. Phenolphthalein remain colorless in acid. The another kind of indicator which is synthetic indicator. Litmus paper जो है वो natural indicator है, while the phenolphthalein is a synthetic indicator. It remains colorless in acid. यानी कि acidic substance को अगर आप phenolphthalein के ऊपर डालते हो तो वो colorless, यानी कि उसका color change नहीं होता. So these are the characteristics of acid. Now let us understand about the characteristics of bases. Base की characteristics क्या है? सबसे पहले तो base substance है, अगर आप उसको पानी में डाल के अपने हाथों के fingers के बीच में घिसते हो तो वो soapy nature होता है उसका, मतलब उसका स्वभाव कैसा होता है, soapy, यानी कि थोड़े थोड़े bubbles उसमें से generate होते हैं. So the first characteristic of base is soapy in nature. Second, बेसिस जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ बेस, यानी कि कड़वे सब्सटेंसेस जो है इट इज़ कॉल्ड बेस, विच इज़ बिटर इन टेस्ट. थर्ड, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं. सो वेन एवर एनी सब्सटेंस changes the red litmus paper to the blue color, then we can say that the substance is base. It reacts with acid and forms salt and water. So when the base is also reacting with acid and it is forming the salt and water. It releases OH minus ions when added into water. When acid reacts with water or added into water, it releases H plus ion, while the base releases OH minus ion.
pH of base are generally more than 7. यानी कि pH value जो है base की वो 7 से ज़्यादा होती है. It turns phenolphthalein pink. यानी कि phenolphthalein है उसको गुलाबी कलर में कन्वर्ट कर देता है. So these are the characteristic of base. Alkalis. Alkalis जो कि base का एक सब टाइप है. ऐसे बेसिक सब्सटेंस कि जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ऐसे बेसिक सब्सटेंस को कहा जाता है अल्कलीस. जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देन आफ्टर स्टूडेंट्स द सेकेंड टॉपिक इज इंडिकेटर्स. It is not advisable or it is not good to taste each and every substance by our tongue because frequently it is harmful to our body to taste certain kind of unknown substances. So for that purpose we need some kind of other substance through which we can identify whether the substance is base or acidic, okay, without tasting it. So the substance or solution which changes its color in the presence of acid and base is called indicators. Yani ke aisa substance ki jo acid aur base ki hazri mein apne color ko change kar de, aise substance ko kya kaha jata hai? Indicators. So there are two types of indicators general exist in this nature. First is synthetic indicator. Second is natural indicator. The first type of indicator is a synthetic indicator in which methyl orange and phenolphthalein is generally included. As I already told you earlier that the phenolphthalein remains colorless in the presence of acid while in the presence of base it turns into pink color. While the natural indicators are of this type. First is litmus paper, which is a very basic and fundamental natural indicator utilizing to identify whether the substance is acidic or basic. Second one is turmeric, yani ki haldi, jiska istemal acidic or basic substance check karne mein kiya jata hai. Third is a extract of red cabbage, khas karke lal color ki jo gobi aati hai uska istemal हम नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे कर सकते हैं. फोर्थ, कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेंगिया, पिट्यूनिया एंड जर्गेरानियम. ये तीन सब्सटेंस ऐसे हैं कि जो नेचर में अकर होते हैं नेचुरली और इसका इस्तेमाल हम इंडिकेटर के तौर पे कर सकते हैं. तो बेसिकली डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स है और जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो दोनों by changing its color or without changing its color it will indicate that the substance is acidic or basic. In do method ke alawa ek teesri method aur bhi hai ki jisse hum pehchan sakte hain ki acidic substance kaun sa hai aur basic substance kaun sa hai, theek hai, use kaha jata hai olfactory indicators. Olfactory indicators ka matlab hota hai कि ऐसे सब्सटेंसेस कि जो सब्सटेंस अपनी स्मेल से या तो अपनी फ्रेग्रेंस से आइडेंटिफाई करवाते हैं कि जो उसके ऊपर पोर किया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस. द सब्सटेंसेस वुज ऑडोर, ऑडोर का मतलब होता है स्मेल यानी कि उसमें से आने वाली गंध. चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स. यानी कि ऐसे पदार्थ कि जिसका कि जिसकी गंध जो है वो बदल जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर, ऐसे पदार्थों को ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है. एग्जांपल के तौर पे वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ऑनियन है और क्लोव ऑयल है. यानी कि वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला का एसेंस जो होता है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है उसके ऊपर हम पोर करें तो हमें मालूम है कि वेनिला की खुशबू जो है बहुत ही प्लेजेंट होती है यानी कि हमें अच्छी लगती है. तो अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर हम वेनिला एक्सट्रैक्ट डालें और
उसकी ओडोर आनी बंद हो जाए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और इट इज बेसिक. सेकेंड इज अनियन. खास करके अनियन के अंदर जब भी हम एसिड पोर करते हैं तो एसिड पोर करने के बाद अनियन जो है अपनी फ्रेग्रेंस गवा देता है. सो दैट इज़ वाई वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, बिकॉज वेन द सब्सटेंस इज लूजिंग इट्स स्मेल देन द सब्सटेंस इज एसिडिक अंडर द ओलफैक्टरी इंडिकेटर. एंड इफ द स्मेल रिमेन्स अनचेंज्ड देन द सब्सटेंस इज बेसिक. ओके, सो बेसिकली दिस आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. फर्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, सेकेंड इज नेचुरल इंडिकेटर एंड द थर्ड टाइप इज ओलफैक्टरी इंडिकेटर. फर्स्ट टू टाइप ऑफ इंडिकेटर इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर. देर इज अ नो पार्ट ऑफ फ्रेग्रेंस इज देयर इनसाइड दिस इंडिकेटर, बट द ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स इज इंडिकेटिंग बाय द फ्रेग्रेंस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. सो यहाँ पे आज का हमारा सेशन हम ख़त्म करना चाहेंगे कि जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, बेस, अल्कलीस और इंडिकेटर के बारे में पढ़ा. जनरली दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी ली, और ओलफैक्टरी इंडिकेटर जो इसका तीसरा टाइप है. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेशन आज का रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का सेशन पढ़ेंगे. थैंक यू.